आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पा लहरी का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। दीप सिद्धू की मौत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। रविदास जयंती पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे वाराणसी, मत्था टेका। जो बाइडेन ने फिर दोहराई धमकी, कहा रूस आगे बढ़ा तो देंगे जवाब। कुछ सैन्य टुकड़ियां हटाने के बाद बोला रूस बातचीत को है तैयार। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर किया गया है हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बॉलीवुड के प्रसिद्ध भारतीय गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन हो गया है। उन्होंने आज मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। बता दें कि नाम से मशहूर आलोकेश लहरी ने बॉलीवुड में 70 के दशक में डिस्को और रॉक म्यूजिक से रूबरू करवाया था। 27 नवंबर को 1992 कोलकाता में जन्मे बप्पी लहरी ने अपने अलग अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। लोगों के बीच उनकी पहचान एक ऐसे संगीतकार की है जो हमेशा सोने के आभूषणों से लदे रहते हैं। उन्होंने अपने सफर के दौरान कई हिट सॉन्ग भी गाए हैं। पंजाबी फिल्मों में मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू की एक सड़क हादसे में निधन हो गया। उनकी गाड़ी दिल्ली के पास कुंडली बॉर्डर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनकी जान चली गई। जहां दीप सिद्धू के साथ गाड़ी में एक महिला मित्र भी थी जो हादसे में घायल हुई है। दीप स्कॉर्पियो कार में सवार थे, जबकि उनकी गाड़ी एक ट्रॉली से टकरा गई। किसान आंदोलन के दौरान पिछले साल लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में अभिनेता दीप सिद्धू का नाम सामने आया था। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए थे दीप सिद्धू, जहां उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो कार चला रहे थे, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। किसान आंदोलन के द्वारा पिछले साल लाल किले पर हुई हिंसा के इस मामले में अभिनेता दीप सिद्धू का नाम सामने आया था। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था और कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत भी दी गई थी। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए थे दीप सिद्धू। पंजाबी एक्टर है दीप सिद्धू, जिनका सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो कुछ दोस्तों संग जा रहे थे, जिसके चलते ये सड़क हादसा हुआ और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। उनके साथ मौजूद महिला मित्र घायल हुई है। यूक्रेन की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा कि वे रूस के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर रूस यूक्रेन में अमेरिकियों का निशाना बनता है तो अमेरिका इसका करारा जवाब देगा। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन पर रूसी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसकी अभी भी बहुत अधिक संभावना है। हम रूस के साथ सीधे टकराव नहीं चाह रहे हैं, हालांकि मैं स्पष्ट हूं कि अगर रूस यूक्रेन में आतंकियों का निशाना बनाता है तो हम जबरदस्त जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी चुनाव में करहल सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव पर बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हमला कराने का आरोप लगाया। उन्होंने मंगलवार देर रात एक के बाद एक दो ट्वीट किए और दावा किया कि करहल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर सपाई गुंडों ने हमला किया। अपने पहले ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि मैनपुरी से करहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के
मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पर सपाई गुंडों द्वारा हमला करना असली चरित्र दिखाया है, जहां कल ही भाजपा सांसद श्रीमती गीता शाक्य पर भी हमला किया गया। दोनों घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सहित सभी चारों सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता शाक्य जी के ऊपर हमला करवाया और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया, अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी, बताइए क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर हमला करवाओगे? या भैया ध्यान रखिएगा, ये समाजवादी पार्टी की सरकार का युग समाप्त हो गया है। अब गुंडई के बल पर बूथों पर कब्जा करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैं चुनाव आयोग से ऐसे अपराधियों के खिलाफ अविलंब सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की। खबर बलिया से है, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे ने जन चौपाल के माध्यम से भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आगे अश्विन चौबे ने कहा कि वो 1974 में जेपी के सिपाही रहे हैं, जो जातिवादी मिटाकर नया बिहार और नया भारत बनाएंगे, ये सपना देखा था। लेकिन बिहार के लिए शर्मनाक बात है कि छात्र राजनीति से पैदा नेता इस तरह के भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया। बस्ती के रुदौली में 10 साल से विधायक और इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे संजय प्रताप जायसवाल ने आगामी चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 10 साल से क्षेत्र का भरपूर विकास किया गया है। आगे संजय प्रताप जायसवाल ने और क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता से, कहा आइए आपको सुनाते हैं। चूंकि चुनाव है, चुनाव में हर दल ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगीता प्रसाद जायसवाल को रुदौली से उम्मीदवार बनाया है और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी की जो उम्मीदवारी आई है उससे महिलाओं में उत्साह है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में अपने काम किए हैं, जमीन पे धरातल पे जो काम हुए हैं उनका जो परिणाम है, उनके माध्यम से हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और जन जन में उसके प्रति जो उत्साह है उसको हम लोग चर्चा करके उनसे अनुरोध कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में जो काम किए हैं उस काम को और लगातार बेहतर आगे जारी रखा जाए। उसके लिए फिर से 5 साल आप योगी जी को दीजिए, वो फिर से मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम जो काम। अगली खबर अयोध्या से है, जहां के गोसाईगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से प्रबल उम्मीदवार महिला प्रत्याशी शारदा जायसवाल ने चौरे बाजार पर बने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार के साथ एक प्रेस वार्ता भी की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महिला महासचिव ने की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के ICC सदस्य अशोक सिंह ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली जैसे तमाम गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। पिछले 45 साल से कांग्रेस की पार्टी की सेवा कर रही है, जनता की सेवा कर रही हैं। आज प्रदेश की जो हालत है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है और ख़ासकर हमारी विधानसभा क्षेत्र में 2 बाहुबली यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संदेश है कि पंजे की बटन दबाइए और दोनों बाहुबलियों को यहाँ से भगाइए। का यह संकल्प है, प्रतिज्ञा है कि हमारी सरकार बनेगी, 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, बिजली का बिल आधा करेंगे, 250 रुपये 2500 रुपये कुंटल हम गेहूं खरीदेंगे, 2500 रुपये कुंटल धान खरीदा जाएगा, 400 रुपये कुंटल गन्ना खरीदा जाएगा
और 10 लाख तक की कोई भी बीमारी हो उसका इलाज मुफ्त हमारी सरकार करेगी। खाद्य पदार्थों की बड़ी कीमतों से पशुपालक परेशान हैं, जहां एक ओर किसान खाने पीने के सामान पर महंगाई की मार से त्रस्त नजर आ रहा था, अब महंगाई का सीधा प्रभाव पशु पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले भूस भी महंगाई की जद में नजर आ रहे हैं, जिसके कारण अब किसानों के द्वारा पशुओं के लिए भी भूस की जगह ही पर ईख का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गन्ने की ईख किसानों के द्वारा सस्ते दामों में लेकर पशुओं के चारे के लिए उपयोग की जा रही है। पूरा मामला जिला अलीगढ़ तहसील इगलास का है। भूसे पर महंगाई की मार से परेशान है पशुपालक। चारे के रूप में गन्ने का उपयोग किया जा रहा है भूसे के तौर पर, जहां पर भूसे की महंगाई से काफी लोग परेशान हैं, जहां गन्ने की एक किसानों के द्वारा सस्ते दामों में लेकर पशुओं के चारों के लिए उपयोग की जा रही है। ये पूरा मामला जिला अलीगढ़ तहसील इगलास का है। भैया बहुत महंगा है बहुत, तो क्या खवामे बोलो चक्कर जे, और फिर जो गैया भैया डोल रहे जी हथका न्यारे तो हमारे सब यही खा जाते हैं, तो जहाँ हमारे भैया ईख जो है लेके जानी पड़ी है खरीदी के भैया, ईख की भैया बहुत डिमांड है जाती, तो मान लो न्यार रखी है भैया आधे न्यारे तो जो है जी गैया भैया डोल लेगा जी खा जाता है, क्या करें क्या कारण है जैसे जो है आपको ईख इतनी पड़ रही है, क्या कारण है भैया? बहुत जो है बहुत महंगो चल रहा, चारा बहुत महंगो है, ईख जो है सस्ती पड़ रही है थोड़ी सी, जाके बैठे ही खरीद के ले जा रहे हैं। खबर अयोध्या जनपद से है, जहां गोसाईगंज विधानसभा के लगभग 5000 मतदाता इस बार 27 फरवरी को मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि इस गांव के लोगों को अपने जनपद का ही पता नहीं रह गया है। दरअसल अयोध्या जनपद से राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत माजा काजीपुर व माजा रामपुर पुवारी के ग्रामीणों ने नाम खारिज कर दिया है, इसको लेकर अब ग्रामीणों में नाराजगी है। कि हमारे आजा बाबा बाप के जमीन नाम से थे, आवाज वो खत्म कर दिए गए, और नक्शा भी खत्म हो गया, नक्शा भी नहीं मिल रहा है, और बैंक में जो है केमसी बनी है वहाँ जो है अब वो सब का खाता सील कर दिए, सब कुछ कर दिए, अब वो कैसे बनाए और उसके बाद अब नेट के नकल मांग रहे हैं। तो ये हमको चाहिए कि जो हमारे आजा बाबा की जमीन थी आज वो नहीं है, लेकिन वो जमीन नक्शा जो गायब हो गया था हमको चाहिए, हमें जमीन चाहिए। हमारे गांव का खेतवनी कुछ भी नहीं है, वोट मांगने आते हैं लोग, हम लोग मतदान किस लिए करें जब हमारा किसी गांव में हमारा नाम नहीं है, हम किसी जिले के नहीं हैं, तो हम मतदान करें किस किसके नाम पर करें? आप लोग से गुजारिश है कृपा करके आप लोग हमें हमारे गाँव का आकर के एक बार जरूर इसको देखिए। सबको खेतियाउनी ना है का वोट दे के होके देव ना है, हम पुरखा पुरानी अमल गुजारी देते रहने आए, अब तो उन कहाँ चल गए खेतवा, हम उनका खेतियाउनी नहीं करी अब खेत पाई तब। खेती मंत्री निरंजन ज्योति ने बड़ा बयान दिया है, वहीं उन्होंने कहा कि यह चुनाव विधायक बनाने के मात्र का नहीं है, यहां से मनोज प्रजापति को विधायक बनाने का नहीं है, जहां चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा चर्चा पाकिस्तान मीडिया में हो रही है, योगी मोदी से ज्यादा खूंखार है जिस चुनाव को लेकर पाकिस्तान को नजर हो, ऐसा कोई काम नहीं कराएगा जिससे पाकिस्तान का लुटिया बांटे जाए। यह चुनाव यहाँ से मनोज प्रजापति विधायक बने इसलिए नहीं है, यह चुनाव आप देख रहे हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और पाकिस्तान की मीडिया वहां डिबेट कर रही है योगी मोदी जी से ज्यादा खूंखार है। अब आप कल्पना करिए जी चुनाव को लेकर के पाकिस्तान मीडिया की मिली गायब हो, और एक बात याद रखिएगा ऐसा काम मत करिएगा जिसके हारने पर पाकिस्तान में लट्टू बने। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।